બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે શ્રી હરિકૃષ્ણ મહારાજ કે શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ જય સ્વામિનારાયણ જય તો જોરથી બોલવી જ પડશે બોલો શ્રી કષ્ટભંજન દેવ કે શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવ કે શ્રી વડતાલ ધામ કે सर्वप्रथम श्री स्वामीनारायण मंदिर वरताल संस्थान के प्रांगण में इस समग्र दक्षिण देश गद्दी के वर्तमान पीठाधिपति आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज एवं हमारे आदरणीय राज्यपाल महोदय आचार्य श्री देवव्रत जी उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ दोनों का व्यक्तित्व ऐसा है कि उनका आभार व्यक्त करेंगे उनको अच्छा नहीं लगेगा लेकिन ये हमारा फर्ज है मैं आज उन पूज्य चरणों के आभार के साथ साथ विदेश की धरती में निवास करना और स्वदेश के ज़रूरियातमंद लोगों के प्रति दिलचस्पी रखने वाले मनन शाह शैलेश भाई हेल्पिंग ह्यूमालिटी ग्रुप यूएसए उनका भी तह दिल से गोकुल धाम नार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इस वर्ताल भूमि में गोकुल धाम नार को माध्यम बना करके एक सेवा का पुण्य कार्य किया है और रिकॉर्ड बनाना कोई मकसद नहीं था मकसद तो यही था कि जिसके यहाँ कुछ ज़रूरत है उनके यहाँ पहुँचना हमारे स्वामी सुखदेव प्रसाद दास जी स्वामी जी का संकल्प था बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ मोहन प्रसाद स्वामी जी हरिकेश्वर स्वामी जी के आशीर्वाद के साथ वो हर दिन कुछ नया सोचते हैं वो सोच उसको वरताल की भूमि में ले आई और मैं उन दिव्यांग जनों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने गोकुलधाम नार और वरताल को इस सेवा का अवसर प्रदान किया साथ में हमारे पूज्य चरण संत जन है शास्त्री स्वामी श्री माधोगिरिदास जी स्वामी जी शास्त्री स्वामी श्री नौतम प्रकाश दास जी स्वामी जी हमारे संप्रदाय के वरिष्ठ सदगुरु संत पूज्यपाद ज्ञान जीवन दास जी स्वामी जी पूज्यपाद धर्मप्री दास जी स्वामी जी और हमारे मंदिर के चेयरमैन श्री और यहाँ गढ़पुर के चेयरमैन जूनागढ़ के मान श्री वगैरह जन है हमारे सांसद है विपुल भाई है भार्गव भाई भट्ट है प्रदीप जी तंजी भाई सब बुज़ुर्ग लोगों को उस बात की खुशी है कि वर्ताल की भूमि में ऐसा आयोजन हो रहा है मैं आज माननीय राज्यपाल जी के कुछ अंशों को पुनरावर्तन करना नहीं चाहता लेकिन उतना ज़रूर कहना चाहता हूँ सर 10 साल से बड़ताल की भूमि में कहीं भी पेस्टिसाइड का उपयोग हम लोग नहीं कर रहे हैं सिर्फ वही काम करते हैं गौशाला है गौशाला का जो खाद है गौमूत्र है उनका दवाई के रूप में भी उपयोग करते हैं अर्क भी बनाते मानव स्वास्थ्य के लिए भी उपयोग करते खेती के लिए भी उसका उपयोग करते हैं लेकिन यहाँ आचार्य जी है और वरिष्ठ संतजन भी है हमारे सामने आचार्य जी ने कहा है हर जिले में एक संतजन मिले मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ यहाँ जो संस्कृत पाठशाला शुरू है और नई पाठशाला बन रही है उसके माध्यम से ऐसे संत जन मिले कि गुजरात के हर शहर में जैसे अभी शिक्षा का संकुल है उसी प्रकार से प्राकृतिक सेवा ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो प्रकल्प माननीय आचार्य श्री देवव्रत जी के दिमाग में काम कर रहा है वो पूरे गुजरात में काम करे ऐसे हम आज भगवान स्वामीनारायण हरे कृष्ण महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं और अंत में इस कार्यक्रम में जो स्वयं सेवक करीबन तीन महीनों से प्रतिदिन एक एक घंटा शिविर लगा करके दिन रात एक करके जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के कुछ शिस्त के नियम है अनुशासन है उसका पालन के साथ जो काम किया है इस सारा का सारा कार्य का श्रेय हम यदि किसी एक टीम को देना चाहे तो ये वरताल और गोकुलधाम नारकी नार की स्वयं सेवक टीम का तालियों के नाथ से आभार के साथ सबको जय स्वामीनारायण